इवेंट्स में आज अपन बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले आईपीएल के मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए किस प्रकार से आपको टीम बनानी है, सीवीसी किसे रखना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मैच जो हैदराबाद और मुंबई का हुआ था उसमें मैंने आपको बोला था भाई अभिषेक शर्मा, जयदेव उनाडकर, तिलक वर्मा को अपनी टीम में ले सकते हो। हालांकि इस मैच में जो डेथ के बॉलर थे उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इस वजह से अपनी टीम इतनी ज्यादा अच्छी इस मैच में नहीं रही। लेकिन ऐसे हाई स्कोरिंग गेम, दोनों साइड से बड़े स्कोर बने, बॉलर एक भी बॉल फर्स्ट का नहीं है, ऐसे मैच काफी कम होते हैं जैसा कि लास्ट मैच में हुआ था। लेकिन आज के मैच में कई ऐसे प्लेयर हैं आपको जिनका सिलेक्शन एकदम से कम नजर आएगा, लेकिन मैं बोलता हूं हर मैच में लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर आपको लेने ही लेने। किस प्रकार से लेने हो मैं वो आपको बताऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो मैच फिर से खेला जाएगा स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पे। यहाँ पे टोटल 53 मैच हुए, 19 बार वेट फर्स्ट जीती है और चेज करते हुए टीम ने 34 बार यहाँ पे मैचों को विन किया। तो भाई चेजिंग टीम को एडवांटेज रहने वाला है। एवरेज स्कोर फिर से आपको एक अच्छा स्कोर बनता हुआ नजर आएगा, लास्ट मैच में भी बड़ा स्कोर बना था, फिर से आपको 180 प्लस स्कोर भी यहाँ पे दिख सकता है। हो सकता है कि टीम अगर अच्छी बॉलिंग करे तो 160 से 180 के बीच में भी स्कोर बन सकता है। हाईएस्ट 217 है, लोएस्ट यहाँ पे 69 बना है। यहाँ देखो जो स्कोरिंग पैटर्न है इसको अगर आपने ध्यान से समझा, हर एक बात जो मैं आपको बताऊंगा अगर आपने ध्यान से समझा तो आप बहुत ही बेटर टीम बना पाओगी। यहाँ देखो भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम 193 बनाती है 4 विकेट के नुकसान पे, जिसको लखनऊ की टीम चेज नहीं कर पाती है। 7 विकेट पेसर को मिलते हैं और स्पिनर को मिलते हैं 3 विकेट। ठीक है, पहली पारी में 3 पेसर को मिले थे, दूसरी में 4, और स्पिनर्स को पहली पारी में 1 मिला, दूसरी में 2 विकेट मिले, अश्विन चहल को 1-1 विकेट इस गेम में मिला था। इससे पहले आरसीबी 171 बनाती है और राजस्थान रॉयल्स 59 रन पे ऑल आउट होती है। ठीक है, ये सीजन के एंड मैच था, एंड पिच एकदम स्लो हो गई थी, इस मैच में पता नहीं राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही खराब खेला था। ठीक है, 7 विकेट पेसर को मिले, यहाँ पे 7 विकेट स्पिनर ने निकाला, स्पिनर्स का विकेट अच्छे मिले थे। जैसे जैसे गेम पुराना, पिच पुराना होगा, आपको स्पिनर्स के विकेट बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ देखो राजस्थान रॉयल्स 214 पे 2 SRH की टीम चेज कर जाती है, 3 विकेट पेसर को मिलते हैं, स्पिनर को मिलते हैं 5 विकेट। राजस्थान रॉयल्स 118 पे ऑल आउट हो रही है और गुजरात टाइटंस की टीम स्कोर को चेज कर रही है, 3 विकेट पेसर को मिले और स्पिनर को मिले यहाँ पे 6 विकेट। तो स्पिनर्स ने अच्छे विकेट यहाँ पे निकाले। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स 202 बना रही है, CSK 170 बना के चेज नहीं कर पाती है, 3 विकेट पेसर को मिलते हैं, 7 विकेट मिलते हैं स्पिनर। भाई लास्ट मैच के हिसाब से स्पिनर्स ने थोड़े कम विकेट लिए, लेकिन इस मैच में फिर से आपको ज्यादा भी नहीं तो दोनों साइड के स्पिनर मिला के 5 या 6 विकेट आपको नजर आने वाले। तो 2 स्पिनर्स आप अपनी टीम में रख सकते हो। किस प्रकार से रखना है वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ देखो दोनों टीमों के बीच टोटल 27 मैच हुए हैं आईपीएल के। 14 बार राजस्थान ने हराया दिल्ली को और 13 बार हराया दिल्ली ने, यानी कि बराबर की टक्कर है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं दोनों टीमों के बीच। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले। वह बटलर के साथ ओपन करेगा जसवाल, उसके बाद संजू सैमसन, रियान प्राग आपको नजर आएगा, सिमरन हेटमायर, जुरेल, रविचंद्र अश्विन, आवेश खान, ट्रेंट बोल, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल आपको नजर आएगा, बर्गर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर टीम में आने वाला है। ठीक है, बाकी देखो चेंजेस क्या हो सकते हैं, मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी सब आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। साथ में मेगा जीएल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपको वहां पर बताने वाला हूं, तो टेलीग्राम आप पक्का ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो आप ध्यान से समझने वाली बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स फिर से बैट फर्स्ट करता है और बाय चांस अगर इनके विकेट जल्दी गिरते हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दिल्ली के बॉलर रखना है, वो तो पहली बात है। दूसरी बात, फिर ये टीम रोमन पावल को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ला सकती है अगर इनकी बैटिंग में थोड़ी बहुत भी कमी इनको नजर आती है। ठीक है, फिर उस कंडीशन में ये सारे बॉलर मिलकर अपने पूरे ओवर डाल लेंगे, पराग एक आध ओवर कर जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बर्गर फिर से खेलता है तो बर्गर, चहल के चोर आने वाले, ट्रेंट बोल्ट के आने वाले, फिर आवेश, संदीप शर्मा और रविचंद्र अश्विन, इन तीनों में ओवर से वो डिवाइड रहने वाले। अब बात करते हैं इनकी फॉर्म की, तो भाई बटलर 6, 64, 38, 10 और 11 भाई ठीक ठाक प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए इस गेम में रहेगा। हालांकि आईपीएल में बहुत ही तगड़े तरीके से खेलता है, लेकिन पिछले साल से इसका वर्ल्ड कप के बाद से इतना तगड़ा फॉर्म नहीं रहा है जिसके लिए जाना जाता है, लेकिन अच्छे रन बनाए। बाकी हेड टू हेड आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो कमाल के भाई, 6 मैचों में 239 रन अगेंस्ट, 39 का एवरेज है, तो काफी अच्छा खेलता है इनके अगेंस्ट, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। वेन्यू की बात करें तो 16 मैचों में 615 रन है, 44 की एवरेज, तो भाई जोश बटलर बहुत ही शानदार पिक आपके लिए इस गेम में रहने वाला है। जसवाल को देखो आप 60, 68, 4, 24 भाई मस्ट पिक प्लेयर है, हेड टू हेड में 4 मैचों में 118, 29 की एवरेज है, वेन्यू पे 10 मैचों में 315 रन किए, 31 की एवरेज है। अब देखो चांस जीएल में किस हिसाब से चाहो तो देखो चांस तो आप किसी भी प्लेयर पे ले सकते हो, किसी भी दिन कोई भी प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, बाकी
जो प्लेयर फॉर्म में है यानी जसवाल हमेशा फॉर्म में चल रहा है तो लगभग चांस है ये रन बनाएगा। बटलर इनके अगेंस्ट भी अच्छे रिकॉर्ड है, बटलर वैसे भी ठीक है। ठीक है तो दोनों ओपनर में आप चाहो तो एक आध टीम में चांस ले लेना, चाहो तो बटलर पे ज्यादा चांस लेना। जसवाल जिसका रिसेंट फॉर्म कमाल का है वो लगभग हर मैच में रन बनाने को देखता है, इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप जसवाल बटलर में से ट्राई कर सकते हो। सैमसन की बात करते हैं, 29 बार 108 0, 82 नॉट आउट किया था लास्ट गेम में, शानदार पारी खेली थी। हेड टू हेड के 8 मैचों में 161 रन है, 26 की एवरेज इसकी। ठीक है तो अगेंस्ट इतना अच्छा भी नहीं खेला है, खेला है इतना अच्छा नहीं खेला है। वेन्यू पे 28 मैचों में 731 है, 33 की एवरेज। भाई होम ग्राउंड का एडवांटेज इस सीजन सबको भर भर के मिल रहा है, हर बार होम टीम जीत रही है। इस बार भी लगता है राजस्थान रॉयल्स इस मैच को फिर से जीतेगी, तो ट्रेंड बरकरार रहेगा नहीं, फिर क्या ट्रेंड का एंड कर पाएगी दिल्ली की टीम। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज कौन सी वाली टीम जीतने वाली, क्या होम ग्राउंड में फिर से राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। रियान पराग को देखो, 8+0 32+0 लास्ट मैच में, भाई बंदे को नंबर फोर्थ पे भेजा गया था, 43 रन बनाए थे। ठीक है हेड टू हेड में 7 मैचों में 75 रन है, 50 हाईएस्ट है, क्योंकि बैटिंग काफी नीचे आती है। तो आंकड़े मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हर बात आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि पराग को अब प्रमोट किया गया है पिछले कुछ सीजन, सैयद मुश्ताक अली में भी इसका फॉर्म अच्छा रहा है, तो ये बंदा रन बनाएगा फिर से। ठीक है वेन्यू पे 7 मैचों में 125 रन, 1 विकेट है। हेडमेयर की बात करते हैं, 34-2, 39-7, 8 और 5 हेड टू हेड में 2 मैचों में 40 रन, 39 हाईएस्ट है। वेन्यू पे 7 मैचों में 65 रन और 11 के एवरेज, यानी आंकड़े इतने अच्छे हेडमेयर के हैं नहीं, तो रियान पराग अच्छी पिकअप के लिए रहेगा। ठीक है अगर देखो इनके टॉप ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर में जल्दी विकेट निकलता है, फिर रोमन पावेल आएगा तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो सकता है एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो यूज कर ले, बाकी चांसेस कम रहेंगे थोड़े। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। और जुरेल को देखो आप, 77-13-57-20 नॉट आउट, भाई कमाल का प्लेयर है, हालांकि बैटिंग थोड़ी नीचे आती है। हेड टू हेड में 1 मैच पे 8 रन है, वेन्यू पे 6 मैचों में केवल 64 रन है, 16 की एवरेज है। इसमें बैटिंग का अहम रोल है कि इसकी बैटिंग काफी नीचे आती है, तो इस वजह से देखो एज ए फिनिशर आंकड़े आपको इतने अच्छे नजर नहीं आएंगे, लेकिन प्लेयर बहुत ही शानदार है, पिछले कुछ टाइम से अच्छा खेल के आ रहा है। रविचंद्र अश्विन को देखो आप, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट हमेशा एक आध विकेट मिलते हैं। हेड टू हेड में 5 मैचों में 6 विकेट है, प्लस 69 रन किए, 50 रन हाईएस्ट स्कोर इसने किया इनके अगेंस्ट, यानी एक हाफ सेंचुरी भी मारी है। वेन्यू पे 13 मैचों में 52 रन है, 12 विकेट है, तो कमाल के आंकड़े भाई अश्विन के, इंपोर्टेंट रहेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में बॉलिंग करने आ जाए, क्योंकि वार्नर को आउट करने के लिए टीम लगा सकती है रविचंद्र अश्विन को। बोल्ट को देखो भाई, 0-2 विकेट 0-0 लास्ट मैच में 2 विकेट, पावर प्ले का शानदार गेंदबाज। हेड टू हेड में 9 मैचों में 14 विकेट है, वेन्यू पे 5 मैच में 6 विकेट। अब भाई बोल्ट को लेने वाले ध्यान में रखना मिशेल मार्श और वार्नर, मिशेल मार्श के पास तो फिर भी बैकअप ऑप्शन रहेगा बॉलिंग करने का। ठीक है बाकी वार्नर को अगर ये जल्दी आउट करता है तो फिर ट्रेंट बोल्ट आपके ज्यादा काम का है, बाकी एज ए प्लेयर आप फिर रखना, क्योंकि विकेट लेस भी है कई बार जाता है, तो ये बात बोलनी नहीं है लास्ट मैच के परफॉर्मेंस से। ठीक है आवेश खान 4 विकेट 0-2 विकेट 1 विकेट और लास्ट मैच में विकेट लेस था, बाकी हेड टू हेड में 2 विकेट है, वेन्यू पे 3 विकेट है। जीएल के लिए एज ए ट्रंप पिक आप यूज कर सकते हो। नंद्रे बरकर 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, वेन्यू पे एक ही मैच खेला है जिसमें 1 विकेट है, हेड टू हेड खेला नहीं है, भाई ट्राई किया जा सकता है। लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करता है। संदीप शर्मा को देखो भाई, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, भाई लास्ट गेम जीता गया है इनको, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी लास्ट में डेथ ओवर में। ठीक है हेड टू हेड में 6 मैचों में 5 विकेट है, वेन्यू पे 7 मैच में 4 विकेट है, एक आध विकेट हमेशा इसको मिलती है संदीप शर्मा को। ठीक है ज्यादा बड़े विकेट ये नहीं निकालता, लगभग एक एक विकेट, कभी कभार 2 विकेट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं 1 विकेट इसको लगभग मिलता है। यूजी चहल 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, कमाल का बॉलर है, 9 मैच खेले 8 विकेट निकाले हेड टू हेड में, वेन्यू पे 12 मैचों में 15 विकेट। रोमन पावेल एज ए इम्पैक्ट, अगर इनकी बैटिंग कोलैप्स होते हैं तो ये पक्का रोमन पावेल को लाएंगे, फिर ये बर्गर को नहीं लाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 23 नॉट आउट 28 नॉट आउट 30 12 और 2, ठीक है ट्राई किया जा सकता है, प्लेयर कमाल का है, मुझे तो लगता है इसको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए इसको हेडमेयर की जगह। ठीक है तगड़ा प्लेयर है उससे भी। अब दिल्ली कैपिटल की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, वार्नर के साथ ओपन करेगा मार्श, उसके बाद शेओ, ऋषभ पंत, रिक्की भुई, टेस्ट एंड स्टेप आपको नजर आएगा, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा और खलील अहमद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। भाई इस मैच में नॉर्थ ने वापसी कर सकता है, इंपोर्टेंट प्लेयर है, खेलता है तो बहुत ही अच्छा पिक आपके लिए रह सकता है। वार्नर को देखो भाई, 70-22, 81-32 और 29 अच्छे रन बनाता है वार्नर हमेशा, फॉर्म कमाल की है। हेड टू हेड में 15 मैचों में 534-38 की एवरेज है, वेन्यू पे 3 मैचों में 104-34 की एवरेज है, तो सब कुछ पसंद है भाई वार्नर को। ठीक है बस दिन बुरा नहीं होना चाहिए, बाकी वार्नर रन हमेशा बनाता है आईपीएल। ठीक है मिशेल मार्श को देखो आप, 17-72 रन 1 विकेट 26 रन 1 विकेट 20 रन बनाए थे लास्ट मैच में, विकेट उसको नहीं मिला था। बाकी हेड टू हेड में देखो 3 मैचों में 124 रन किए, 2 विकेट लिए और 2 बार ये नॉट आउट भी रहा है,
काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है मिशेल मार्श इस मैच के लिए। वेन्यू पे एक मैच में 35 रन किए हैं, विकेट मिला नहीं है। कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो, मिशेल मार्श की अच्छी पारी आ सकती है इस गेम में, प्लस बॉलिंग से भी ये आपको एक आध विकेट निकालकर दे सकता है। तो दोनों ही ओपनर शानदार फॉर्म में, ठीक है, इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। हालांकि लास्ट गेम में दोनों ही वार्नर ने जरूर 29 किए थे, मिशेल मार्श जल्दी आउट हो गया था। ठीक है, शेओप को देखो भाई, 21, 29, 6, 9, 33 ट्राई कर सकते हो, थोड़ा संभल कर खेलने वाला बेटर है। ठीक है, ऋषभ पंत 6, 6, 11, 15, 0, 18 रन लास्ट गेम में जरूर किए हैं। बाकी हेड टू हेड आंकड़े कमाल के भाई, 9 मैचों में 357 की एवरेज, तो ये देखते हो आप अपनी टीम में रख सकते हो। वेन्यू पे भी 115 बनाए 3 मैचों में, जिसमें भी नोट आउट रहा है, तो एवरेज भी हाई है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए ऋषभ पंत इस गेम में रह सकता है। लेकिन देखो, चोट के बाद आए, एक्सीडेंट के बाद आए, तो काफी टाइम हो गया है अच्छी पारी खेले हुए, तो हो सकता है देखो अभी एक आध मैच और लग जाए। ठीक है, तो ये देखते हो आप 6 ओप को अपनी टीम में रख सकते हो। रिक्की बुई 3-0, लेकिन फर्स्ट क्लास में अच्छा करके आ रहा है, बता दूं मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट क्लास में अच्छे परफॉर्मेंस है इसकी, लिस्ट नहीं खेल के आ रहे, इसलिए जो इसके आंकड़े वो है नहीं। ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पारी खेली है, 2 पारी आती तो कई बार 100 भी किया, वहाँ टाइम खूब मिलता है। ठीक है, ट्रस्टन स्टब को देखो आप, 16 रन 1 विकेट 15 विकेट 27 और 5। भाई बोलिंग शायद यहाँ पे टीम ना करवाए, बाकी राइट आर्म ओपनर गेंदबाजी भी करता है, कीपिंग भी करता है, अच्छा प्लेयर है। अक्षर पटेल 1+0, 2 विकेट 2 विकेट 21+0, हेड टू हेड में 14 मैचों में 89 रन, 12 विकेट है। वेन्यू पे 3 मैचों में 10 रन और 1 विकेट निकाला है। तो इंपोर्टेंट ये दोनों स्पिनर्स इनके रहने वाले हैं आपके लिए। दिल्ली को अच्छा करना है तो इन दोनों स्पिनर्स को अच्छा करना होगा। ठीक है, कुलदीप यादव कमाल का गेंदबाज, 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट, 2 विकेट, फिर से ड्रीम टीम का मेंबर बनने के लगभग चांस रहेंगे। हेड टू हेड में 8 मैचों में 8 विकेट है। वेन्यू पे भाई विकेट के कम मिली है इसको, बाकी स्पिन को अच्छी विकेट यहाँ पे मिली है, लेकिन इसको विकेट काफी कम मिली है। सुमित कुमार 48 रन 1 विकेट 28 3 विकेट 2+0, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, लास्ट मैच में खिलाया था इसको। ठीक है, संत शर्मा 3 विकेट 0 0 1 विकेट निकाला था, हेड टू हेड में 12 मैचों में 13 विकेट है। वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेट है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अच्छी गेंदबाजी की थी लास्ट गेम में भी। ठीक है, अच्छे ड्रीम पॉइंट भी दिए थे। नॉर्थ जे खेलता है तो देख लो भाई, फॉर्म तो कुछ है नहीं, बाकी प्लेयर अच्छा है, पेस अच्छी है, अब चोट के बाद कैसी क्या वापसी करता है वो देखना होगा। ठीक है, मुकेश कुमार अगर खेल जाता है तो देख लेना भाई, 1 विकेट 2 विकेट 0, हेड टू हेड में 1 मैच में 2 विकेट है। ललित यादव 1 विकेट 67+0 25 रन 1 विकेट, खिला सकती है टीम। ठीक है, हेड टू हेड में 5 मैचों में 109 रन है, 36 की एवरेज है। वेन्यू पे 3 मैचों में 6 रन है। जे फ्रेशर खेलेगा नहीं, पृथ्वी शो अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो, अच्छे आंकड़े इसके। ठीक है, अब बात करते हैं मेगा ग्रैंडलीग के लिए, जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में बन सकते हैं। भाई इन प्लेयर का सिलेक्शन जरूर आपको कम नजर आएगा, लेकिन हर मैच की ड्रीम टीम, अभी तक जितने मैच हुए आईपीएल के, सारे मैच आप उठाकर देख लो, हर बार आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर मिलेंगे मिलेंगे। तो उनको अगर आप नहीं ले रहे हो अपनी टीम में, तो भाई आप रैंक फर्स्ट आने के लिए नहीं खेल रहे हो। ठीक है, तो इनको आपको लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे में होगा कि कई बार आपकी विनिंग भी इफेक्ट होगी, कई बार आप अच्छा भी कमाओगे। तो देखो, वो ये इतने खेल रहे हैं, करोड़ों लोग एक साथ एक कॉम्पिटिशन में खेल रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़े चेंजेस करने होंगे। ठीक है, हेटमैन अंद्रे बर्गर, आवेश खान आरआर की तरफ से, और डीसी की तरफ से खलील अहमद, रिक्की बुई और ईशांत शर्मा। भाई कंडीशन समझ लेना प्लेयर की, बहुत ही अच्छे से टीम बना पाओगे। ठीक है, कौन से प्लेयर पे रिस्क लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताऊंगा, सब कुछ बताता हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक है, यहां देखो आप भाई, अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग कर रही है, उस कंडीशन में आप हेटमेर को ट्राई कर सकते हो, फिर इन दोनों बॉलर में से एक बॉलर को ले लेना। भाई ये दो प्लेयर आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर लगभग चांस मिल जाएंगे। ठीक है, इधर से फिर आप चाहो तो ये पहले बैटिंग कर रहे हैं ना, तो ईशांत खलील में से एक बॉलर आ जाएगा, यानी 3 प्लेयर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चाहो तो चांस ले सकते हो, दोनों बॉलर्स को रख सकते हो, उधर से 2 बॉलर या फिर हेटमेर के साथ एक बॉलर को रख सकते हो, तो वो आप पे चांस आप थोड़ा बहुत हाई बढ़ा भी सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल अगर गेम चला, ज्यादा उलट पुलट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन जरूर मैच में बनकर आएगी, राजस्थान रॉयल्स बैट फेस्ट करेगी तो। ठीक है, डीसी अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में आप रिकी बुई को ट्राई कर सकते हो भाई। ठीक है, फर्स्ट क्लास में अच्छे रन बनाए, बाकी फिर इनमें से एक बॉलर ट्राई कर सकते हो, बर्गर आवेश खान में से एक प्लेयर को रख सकते हैं। 3 प्लेयर यहाँ से आपको मिलने के चांसेस हाई है। ठीक है, बटलर सैमसन 6 ओप को रखा है भाई, बटलर तिशापन 6 ओप को रखा है इस सीजन, विकेट कीपर की भरमार आ रही है भाई हर मैच में, तो अपने विकेट कीपर रखो। ठीक है, वार्नर यशस्वी जसवाल हेटमैर या केवल जसवाल को रखा है, आप चाहो तो चांस ले सकते हो, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि जसवाल पक्का ही भाई 100%, तो देखो किसी प्लेयर का नहीं पता, चांस तो आप ले सकते हो। ठीक है, वो तो आपके कॉम्बिनेशन बनाने पर है। मार्च को लिया है अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, रियान पराग को लिया है, बोल्ट यूजी चहल, कुलदीप यादव, आविश खान को लिया है, कुलदीप यादव, नंद्रे बरकर,
खलील अहमद को लिया। तो भाई डिफरेंसली मैंने प्लेयर्स को अपने टीमों में रोटेट किए हैं अभी के लिए, ठीक है भाई। जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको टीम बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा चेंजेस हालांकि नहीं होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई दिल्ली की तरफ से मिशेल मार्श वार्नर बहुत अच्छे ऑप्शन है कैप्टनसी के, फिर कुलदीप यादव, इनसे बाहर कैप्टन जाने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। बाकी वीसी के लिए आप खलील अहमद को ट्राई कर सकते हो, शेव को ट्राई कर सकते हो, इनमें से भी सीबीसी रोटेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि कैप्टन ही आएंगे, वाइस कैप्टन भी आ सकते हैं। इधर से जसवाल बटलर अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग से शायद इनमें विकेट बटने वाले हैं, बड़े विकेट किसी बॉलर्स को मिलने के चांसेस कम है, वीसी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। फिर सैमसन तक इनमें टॉप 3 तक आप कैप्टन ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।